ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राजधानी रांची में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हैवान बाप ने अपनी 1.5 साल की बच्ची की हत्या गला घूंट कर दी। क्या है पूरा माजरा, देखिए आपकी रूह कांपा देने वाली ये रिपोर्ट। पर आपने मुझे क्यों मार दिया? मैं तो आपकी लड़की थी, आपके कलेजे का टुकड़ा था। आई स्टिल लव यू पापा, आई स्टिल लव यू पापा। रही थी तो गोदी लिए, तो हम बोले नीचे ले जाइए, तो नीचे ना ले जाके वो अपना रूम में ले गए। तो हम, मेरा बेटा नीचे था, हम उसको लाने गए नीचे। फिर नीचे आके देख रहे ऊपर में, तो गला दबा रहे थे बेटी। प्यार करता था अपना बेटा, बेटी है ये, माँ है उस बच्ची की जिसकी जान उसके पिता ने ही ले ली। जिसने सुना वो सन्न रह गया। एक बाप अपनी बच्ची की जान ले लेता है, उसका गला घूंट देता है, वो भी बस इसलिए क्योंकि वो रो रही थी, लगातार रो रही थी। इस हत्यारे बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछा गया कि ऐसा किया क्यों, पर उसके पास कोई जवाब होता तब तो वो देता, वो तो चुप था, एकदम निःशब्द था। ये आपकी बच्ची नहीं थी, आपका ये कहना है ना? ये जो बच्ची मरी ये आपकी बच्ची नहीं थी? बताइए बताइए, बोलिए। मासूम के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा घर रो रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। पिता ने अपनी बच्ची को प्यार से गोद में रखा हुआ है, और फिर नशा, गड़बड़ मानसिक संतुलन, और बाप हैवान बन जाता है। तुम प्रसाद मातों के द्वारा जो है अपनी 1.5 साल की बच्ची का गला घोटकर हत्या कर दिया गया है। गौतम प्रसाद को जो है हम लोग जो है गिरफ्तार कर लिए हैं, और जैसा पता चला है कि ये जो है नशा का शिकार था। पूर्व में भी परिजन के द्वारा जो है इसको नशा मुक्ति केंद्र ले जाया गया था, किंतु बहुत सुधार जो है इसमें नहीं आया है। और इनकी पत्नी का जो है कहना है कि बच्ची को जो है लाइक नहीं करते थे। आज सुबह में बच्ची जो है काफ़ी रो रही थी, और चुप कराने के बाद भी जो है चुप नहीं हुई थी, गुस्से में जो है उनका गला घोंटकर हत्या कर दिया। कुछ बोलने को अब बचा भी है क्या? बाप के लिए एक बेटी नेमत होती है, एक वरदान होती है, पर शायद कलयुग हावी है जो एक बाप भगवान बनने की जगह हैवान बन जाता है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए इमरान की रिपोर्ट। और इमरान हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं इमरान का। इमरान, शायद शब्द ही नहीं है कि इस घटना को कैसे बयां किया जाए। जो पिता, शायद उसके पिता, उस पिता की जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान, सबसे खूबसूरत लम्हा उस बच्ची ने ही दिया था, और उस बच्ची की ही जान ले ली उस पिता ने। क्या ऑफ द कैमरा उसने कुछ कहा, या पूरे वक्त वो ऐसे ही चुप रहा? कि क्या माजरा क्या था, सिर्फ रोने के कारण ही उसने जान ले ली, या फिर कुछ और माजरा भी है इसके पीछे? देखिए अभिषेक, हर कोई आज उस जो दरिंदे पिता है, जो कि पिता कहलाने के शायद लायक नहीं था, क्योंकि जिस तरह से आज जिस घटना को अंजाम दिया, मात्र 1.5 साल की अपनी बेटी को गला दबा करके हत्या कर दी गई। हत्या की वजह जो बनी है वो इसलिए कि वो जो बच्ची है वो रो रही थी, चीख रही थी, इस चीख को खामोशी में तब्दील करने के लिए उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, उसके गले को दबा करके उसकी मौत के गाल में समा दी गई। तो कहीं ना कहीं पूरी घटना के बाद से आसपास के जो लोग हैं
हैं वो भी पूरे मर्माहित थे। लगातार जब लोग घर पहुंचे, जब उनकी पत्नी के हो, जब मृतक की माँ जब हल्ला घर पे कर रही थी, तो उसके बाद आसपास के लोग बाहर आए और किसी तरह से पकड़ करके पुलिस का हवाले किया। अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो शायद स्थानीय लोगों के द्वारा भी गंभीर पिटाई कर दी जाती इसे, लेकिन मौके पर पुलिस टाइम से पहुंच गई और इसे अपने साथ ले गए। घंटों से लोग पूछते रह गए कि आखिर हत्या के पीछे, अपनी बेटी की जो हत्या की है उसके पीछे की वजह क्या है, तो उस वजह को वो नहीं बता पाया। जो दरिंदा है उसके मुंह से एक शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे, वो इसलिए क्योंकि उसे पता है कि आज जिस घटना को उसने अंजाम दिया है उसके इस पाप की जो जो जितनी बताई जाए वो शायद कम होगी, उनकी जितनी गिनती गिनाई जाए वो कम है, क्योंकि बड़े घटना को अंजाम देने के बाद जब उसे थाने ले जा करके बैठाया गया, उनसे पूछताछ की गई, तो उस वक्त भी वो मुंह अपना नहीं खोल रहा था। हालांकि पुलिस को जो परिजनों ने जानकारी दी, आसपास के लोगों ने जानकारी दी, मृतक के जो बच्ची है उसके चाचा ने जो जानकारी दी, उसमें ये बातें छन करके आ पाई है कि पिछले 4 से 5 महीने के दौरान वो काफी नशे का सेवन किया करता था, लगातार नशे की आदत में डूब चुका था। इसको लेकर के कई बार ऋण पास और दूसरे संस्थान में ले जा करके नशा छुड़ाने की कोशिश भी परिजनों ने की थी और इसके बाद भी वो नहीं सुधरा, लगातार नशे का सेवन करता रह गया। और इसके साथ साथ एक बात ये भी सामने आ रही थी कि जो मृतक बच्ची है मात्र 1.5 साल की, उस बेटी से उसका कोई खास लगाव नहीं था। पुलिस के जांच में भी ये बातें सामने आई हैं, मृतक की मां ने भी ये सारी बातें कही हैं कि पिता को बेटी से ज़्यादा लगाव नहीं था। शायद ये भी एक वजह है कि जो आरोपी है उसके दिमाग में ये ना जाने कब से ये जो अपराध है ये पनप रहा था, और इस पूरी घटना को आज इस अंदाज में दिया कि उसे गला घोट करके हत्या कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें थी। एक बात और इस पूरी घटना में सामने आई कि लॉकडाउन के दौरान जिस जगह पे आरोपी काम किया करता था वहां से भी वह कुछ अर्न या कुछ कमाने के जो जरिए थे वो लगभग खत्म हो गया था, और इसके बाद से ही वो लगातार नशे के जो लत में जो डूबा, उसके बाद वो कभी उभर के नहीं आ पाया। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात इमरान, पहले से ही सबसे बड़ी बात प्यार और तवज्जो नहीं दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो आरोपी है, जो हत्यारा है, आप उसके एक्सप्रेशन देखिए, उसका एक्सप्रेशन देख करके ये लग रहा है कि उसे अंदाजा ही नहीं है कि उसने क्या कर दिया है। आप उसके एक्सप्रेशन में अभी देख रहा था जब आप उनसे सवाल कर रहे थे, तो उसे पता ही नहीं है कि उससे हुआ क्या है। क्योंकि एक शख्स होता है जिसके चेहरे पर ग्लानी नजर आती कि भाई मुझसे तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, पाप हो गया भाई, लेकिन उसके चेहरे पर ग्लानी नहीं है। एक होता है कि उसने इंटेंशनली मर्डर किया होता है कि हाँ भाई मुझे अपनी बच्ची को मार ही देना, मुझे अपनी बच्ची को मार ही देना है, तो वो उसके चेहरे पर एक क्रूरता नजर आती, पर वो क्रूरता भी नजर नहीं आ रही है, उसके चेहरे पे एक शून्य नजर आ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि आखिर उसने कर क्या दिया है। ऐसा लग रहा है कि बस उसका दिमाग अब काम ही नहीं कर रहा, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है आखिर हो क्या। बिल्कुल अभिषेक, आपने ठीक कहा। मैंने काफी लंबा समय इनसे लगातार पूछताछ करने की कोशिश की, मैंने हर एक तरीका को अपनाया, कभी इनको अच्छे से, कभी प्यार से, कभी डांट करके, हर एक तरह की बातें करने की कोशिश की और इनसे जानना चाहा कि आखिर अपनी भी बेटी को गला दबाने की, हत्या करने की वजह क्या है। एक वजह आपके के द्वारा बतानी चाहिए कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन गई जिनकी वजह से अपनी ही बेटी की आपने हत्या कर दी। लेकिन उसके चेहरे पर ना ही उस घटना की कोई दर्द दिख रहा था, ना ही मायूसी दिख रही थी, ना ही खौफ दिख रहा था, वो बस एक बेसुध होकर के एक जगह पे खड़े होकर के तमाम जो रिपोर्टर्स वहां पे मौजूद थे, थाने के जो अपने ऑफिसर मौजूद थे, उन तमाम लोगों को निहार रहा था। तो कहीं ना कहीं ये साफ संकेत दिखाते हैं कि किस तरह से ये नशे की लत में इतने डूब चुके थे कि इसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। शायद इनको खुद को ये सारी चीजें नहीं पता, इनके दिमाग में अपनी बेटी के प्रति जो नफरत थी उस नशे की लत की वजह से उस नफरत को खुल करके सामने आया, और यही वजह है कि आज अपनी बेटी को गला दबा करके हत्या कर दी गई। तो एक वजह है जो एक नशे की वजह से एक पिता जो हैवान बन गया, एक माँ से उनकी बेटी छिन गई, एक दादी से उनकी पोती छिन गई, ये सारी चीजें आज यहाँ पे देखने को मिली। और पूरे बस्ती की अगर हम बात करें तो हर एक लोगों की जुबा पे एक जो दर्द जो था वो साफ तौर से देखने को मिल रहा था, आंखें जो थी वो सभी की नम थी, क्योंकि एक मासूम बच्ची की मौत दर्दनाक तरीके से एक पिता ने की थी और उस पिता ने ही उस बच्ची को जन्म दिया था। ऐसे
में इस सारी चीज घटना को अगर हम देखें तो अब कहीं ना कहीं परिवार ऐसी परिस्थिति में आ खड़ी हुई है कि जहां पत्नी जो कि अब इंसाफ के लिए अगर मांग करती हैं तो उसके पति लंबे समय तक जेल पर रहेंगे, एक दादी अगर इंसाफ की मांग करती हैं उसके उसके बेटे लंबे समय तक जेल पर रहेंगे, एक पिता क्या अपने बच्ची के मौत के जो हत्या के जो मुख्य आरोपी हैं क्या वो इस चीज़ को मान पाएगा, उस चीज़ को ये बर्दाश्त कर पाएगा, ये सारी चीज़ें हैं, कई सवाल हैं जो इस पूरे घटना के बाद खड़े करते हैं। और इसकी सब चीज़ों का अगर जोड़ करके देखें, सारांश देखें, तो कहीं ना कहीं ये पूरी घटना जो है वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। चलिए इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ा गुनहगार है नशा, सबसे बड़ा गुनहगार है, घर को उजाड़ने वाला है ये नशा। इस नशे से सावधान रहिए, ये पूरे घर को उजाड़ देता है, एक घर को इसने बर्बाद कर दिया। धनबाद में वासेपुर के लोगों की लंबी समय से चली आ रही मांग के बाद भूली मुख्य मार्ग पर नए पुल के निर्माण को सरकार से मंजूरी मिल गई है, लेकिन कोरोना की वजह से इसका निर्माण पर ब्रेक लग गया था। अब एक बार फिर स्थानीय विधायक के हस्तक्षेप से इसका निर्माण दोबारा शुरू होने के आसार बनने लगे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। लगभग 100 साल पुराने वासेपुर पुल की स्थिति साल दर साल खराब होती जा रही है। पुल मरम्मत के लिए लॉकडाउन से पहले सरकार को पथ निर्माण विभाग ने पत्र लिखा था। सरकार से अनुमति मिलने के बाद इसका टेंडर फाइनल कर दिया गया है। बनने वाला नया पुल 12 मीटर चौड़ा होगा। वर्तमान में इसकी चौड़ाई 8 फीट है। पुल के चौड़ा होने से जाम की भी समस्या नहीं होगी। पुल के ऊपर से शहरी जलापूर्ति योजना की पाइपलाइन गुजरने की वजह से पुल कमजोर हो रहा है। लगातार 2 बार इसमें गॉफ बन गया था। पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग में समन्वय नहीं बनने के कारण ये पुल निर्माण में विलंब हो रहा था। विधायक राज सिन्हा ने तीनों विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द कार्य शुरू करने को कहा। एक दिन में कम से कम 5,000 से ऊपर गाड़ियां यहां से गुजरती होंगी, तो उसी लिए रोड स्वीकृत हुआ था, टेंडर भी हो गया, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ। 5 दिन में इन लोगों ने कहा है कि 2-4-5 दिन में हम लोग ये शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। ये करीब 1.5 करोड़ का है, बॉक्स कल्वर्ट है, 2 स्पैन का है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रिकल पोल शिफ्ट करने का है, पीएचडी पाइप है, शिफ्ट अभी 1 सप्ताह में हम लोग दिए हैं, 1 सप्ताह के अंदर शिफ्ट हो जाएगा काम। आपको बता दें कि वासेपुर में बिजली, पानी और सड़क को लेकर वहां के लोग लगातार आंदोलन करते रहे हैं। वासेपुर में पिछले 25 साल में नए मकान और दुकान तो बने पर सड़क वही रही। लगातार सड़क सिकुड़ती चली गई जिससे आवागमन बाधित होता रहा। इस पुल का टेंडर 1 साल पहले ही हो चुका था पर 3 विभाग में समन्वय नहीं बनने के कारण कार्य में विलंब होता जा रहा था। नई पुल का निर्माण किया जाना है, इसलिए हम लोग आपस में सभी विभाग में समन्वय बनाकर काम को जल्द से जल्द पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। विधायक जी का भी यही आदेश था। तो काम कैसे होगा, पोल वगैरह कैसे शिफ्ट होगा इसी सप्ताह इसी संबंध में? गौरतलब है कि 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में ही इस पुल को तोड़कर नए सिरे से पुल निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई, जबकि विभागीय उदासीनता के कारण 1 साल बाद भी कार्य शुरू नहीं हुआ। लगभग 100 साल पुराने वासेपुर पुल की स्थिति साल दर साल खराब होती जा रही है। पुल के चौड़ा होने से जाम की भी समस्या नहीं होगी। धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। और सीधा रुख करते हैं धनबाद का, कुंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन, धनबाद के लोगों के लिए ये अच्छी खबर है कि वासीपुर ब्रिज अब फिर से बनेगा, अच्छे तरीके से बनेगा और पहले से चौड़ा बनेगा। जाम की जो समस्या थी उस जाम की समस्या से तो निजात मिल जाएगी अब लोगों को। कुंदन जी, अभिषेक, एक आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये 100 साल ये अंग्रेजों के टाइम का ये पुल है और लगातार जो है पुल पे जब पाइपलाइन पीएचडी ने पाइपलाइन जब चढ़ाया उस समय से ये जो पुल था ये वाइब्रेट होने लगा और बरसात में ये पुल जो है भर जाती है और 3 डिपार्टमेंट बिजली विभाग, पीएचडी और पीडब्ल्यूडी के आपसी समन्वय नहीं होने के कारण ये सड़क, ये जो पुल जो है 1 वर्षों से इस तरह का पेंडिंग पड़ा हुआ है। बीच में कोविड का भी आ गया तो कोविड के चलते कैंसिल भी हुआ। पहले ये 70 लाख रुपए इसका टेंडर जो है 70 लाख रुपए का था जो बढ़कर 1.5 करोड़ रुपया हो गया अभिषेक। और ये अभिषेक मैं आपको बता दूं कि वासेपुर से भूली तक जोड़ने वाली यही एक सड़क है और इस पुल से ही लोग गुजरते हैं।
सबसे बड़ी बात है कि जब ये पुल निर्माण हुई थी उस समय वशेपुर में मकान तो थे लेकिन बहुत छोटे छोटे मकान थे, खपड़ैल मकान था, लेकिन अब जो है चूंकि जनसंख्या भी बड़ी है और इस पुल को जो है भूली तक जो एशिया का सबसे फेमस कॉलोनी जिसको एशिया का नंबर वन लेबर कॉलोनी कहा जाता है भूली, उसको यही सड़क जोड़ती है। तो अभी लगातार जो है लोगों की डिमांड थी कि ये पुल की मरम्मती हो चाहे नया पुल बने, तो नई पुल जो है आज जिस तरह विधायक ने तीनों डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को बुलाकर, सारे लोग भी थे यहाँ के, वाशीपुर के लोग भी थे, और विधायक ने ये पहल किया क्योंकि लगातार विधायक को जो है यहाँ के लोग और डिपार्टमेंट के भी लोग, सबसे बड़ी बात है कि आज से चार रोज पहले विधायक ने हेमंत सोरेन से, मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से इस विषय में बात भी की थी, जिसके बाद जो है अनुशंसा हुई और विधायक आज तीनों डिपार्टमेंट के इंजीनियर को बुलाकर जो है 5 दिनों का उन्होंने टाइम दिया कि 5 दिन के अंदर जो है काम शुरू हो जाना चाहिए। जी अभिषेक, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है जलापूर्ति जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के पाइपलाइंस इस पुल से गुजरती हैं, और उन्होंने उन योजनाओं के पाइपलाइंस गुजरने का नतीजा है कि इस पुल को उससे काफी नुकसान भी हुआ है। तो जो नया पुल बनेगा क्या उसमें इसका कुछ ध्यान रखा जाएगा, इसके लिए क्या कोई अल्टरनेट प्लान तैयार किया गया है? ऑफ कोर्स अभिषेक, मैं बता दूं कि पहले जो पाइपलाइन था वो पुल के ऊपर से था, इस तरह का 2-3 गया पुल भी जो है उसी तरह पीएचडी डिपार्टमेंट जो है ऊपर से ठीक पुल के ऊपर से पाइपलाइन ले गए, जिससे जब पानी जब चालू होती है तो भैवरेट होने लगता है, और हम लोगों ने कई बार गया पुल की भी खबरें दिखलाई है, उसी तरह इस पुल में भी जो है ऊपर से ही सड़क पुल के ऊपर से ही पाइपलाइन क्रॉस हो रहा था। अब जो नई जो टेंडर हुई है उसमें वो बगल से लेकर जाना है, और स्ट्रीट लाइट जो आप देख रहे हैं हम अपने कैमरा पर्सन को दिखलाएंगे कि स्ट्रीट लाइट जो है उसको भी बदलना है, क्योंकि ये तीनों डिपार्टमेंट जो है विद्युत डिपार्टमेंट, बिजली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी और पीएचडी, ये तीनों की समन्वय से ही ये टेंडर हुआ था और तीनों को अलग अलग तरीके से काम करना है। जी अभिषेक, बिल्कुल। तो यानी कि अब आने वाले दिनों में वासीपुर में जो वासीपुर पुल है उसका एक नया रूप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया कुंदन इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। आपके ही द्वारा, आपके ही थ्रू इस पुल के कायाकल्प की नई तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये खुशखबरी है धनबाद के और खास करके वासीपुर और भूली के लोगों के लिए कि ये जो पुल था, जो पुराना पुल था, अंग्रेजों के जमाने का पुल था, वो अब नए पुल के रूप में विकसित होगा धनबाद में। और शुक्रिया कीजिए अपने विधायक का जिन्होंने इसे लेकर के एक इनिशिएटिव उठाया है। अब देखते हैं ये इनिशिएटिव आगे कितना परिवर्तन लेकर के आता है। मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना का मकसद हर हाथ को काम देना था, लेकिन लातेहार के हिरहंज प्रखंड में मनरेगा योजना में हाथ को काम नहीं, मशीनों को काम मिला है और मजदूरों के हाथ खाली रहे, जबकि लाखों की हेराफेरी हो गई। कैसे हुई ये हेराफेरी, इस रिपोर्ट में देखिए। दिन में मजदूरों से काम, रात पूरी जेसीबी के नाम, हेरहंज में मनरेगा का काम तमाम। दिन की तस्वीर, रात की तस्वीर। दिन में मजदूर काम कर रहे हैं, पर रात में मजदूरों के पेट पर लात जेसीबी बुलाकर मारी जा रही है। काम मनरेगा के तहत डोभा निर्माण का हो रहा है, सूचना प्रशासन को मिली और अब मामला दर्ज हो चुका है। क्या यह ऐसी इकलौती तस्वीर है? जी नहीं, ऐसा कमोबेश हर जगह हो रहा है। फर्जी हाजिरी बनाकर हो जाती है पैसे की निकासी। अधिकांश मजदूरों का कार्ड भी बिचौलियों के हाथ में, बेचारे मजदूर रह जा रहे हैं बेरोजगार और बिचौलिए काट रहे हैं माल। जेसीबी मालिकों पर कार्रवाई क्यों नहीं? सिर्फ लाभुकों पर मामला दर्ज क्यों?
लातेहार के हेरहन से न्यूज 11 भारत के लिए नितेश की रिपोर्ट। सरकार की ओर से गरीब परिवारों के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है आवास योजना। लेकिन इस योजना का जरूरतमंदों को बिना रिश्वत दिए लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे संबंधित कर्मचारी और अधिकारी बेखौफ होकर वसूली कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए पलामू से, जहां घूस दीजिए और घूस लीजिए। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार गरीब परिवारों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसमें से आवास योजना सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आवास योजना का लाभ आम लोगों को लेने के लिए उन्हें रिश्वत देना। इसका उदाहरण मोहम्मदगंज प्रखंड क्षेत्र में दिखा, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में भारी धांधली बरती जा रही है, जिससे कई पात्र परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा, जबकि अपात्र लोगों के नाम बेखौफ होकर पैसे की लेन देन कर सूची में जोड़ दिया जा रहा है। अब ऐसे ही एक जरूरतमंद को सुन लीजिए। सुरेश रजवार आवास आयल था, आवास आयला के बाद वीडियो साहब लंगे, वीडियो लंगे तो मतलब अजीत के बोले कि पैसा छोड़ दीजिए ललती सुरेश रजवार के, नहीं छोड़े। ओकर बाद हम फिर गए तो 10,000 रुपया मांग रहे थे अजीत, तो अजीत बोले जब खाता मिले तो अस्कोलिए चला गया, उड़ गया। प्रखंड के कदल कुर्मी गांव में दुखन परहिया जैसे कई लोग हैं और उनमें से किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। हालांकि फॉर्म सबसे भरवाया गया था, इनके नाम भी सूची में थे, लेकिन खेला हो गया। तो ब्लॉक में गया, बड़ा बहू भीरा, बड़ा बहू बोला कि जाइए अजीत सिंह के पास। वहाँ गए तो वो कह दिया कि पैसा छोड़ देंगे। तो उसको आसरा दे के फिर गया तो कहा कि 10,000 पैसा मांग चुका है तो नहीं दिया, तो उस डांट दिया है कि कॉलोनी कट गया। जब पैसा नहीं कि हमने देखो पैसा, हम बुकिंग पैसा मांगता है 55,000 66,000, तो हम कहाँ दूँ गरीब आदमी, हम तो यह तो कहा मौका कहूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने वालों में सबसे अहम नाम होता है मुखिया का, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ये लाभ मिलता है। लेकिन फिलहाल तो मुखिया जी अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। तो गए तो उनसे हम पूछे कि कहे इन लोग का आवास काट दिए, तो अजीत कुमार सिंह द्वारा बोला गया कि इन लोग का डबल आवास है, इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। फिर भी उसी तरह कादल में 30-35 आदमी को डबल आवास ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजीत कुमार सिंह द्वारा 30-35 आदमी को पेमेंट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि हर परिवार को एक घर तो मयस्सर होना ही चाहिए, पर सवाल ये है कि ऐसे बिचौलियों के रहते हुए क्या हर किसी को घर मिल सकेगा? क्या इसका समाधान नहीं होना चाहिए? न्यूज 11 भारत के लिए पलामू से संतोष श्रीवास्तव के साथ सहयोगी विकास की रिपोर्ट। झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। गोला में बढ़ती ठंड की वजह से बाहर से आए बंजारा और फुटपाथ पर रात गुजारने वालों की जिंदगी काफी जद्दोजहद में गुजर रही है। जिला प्रशासन की ओर से अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। बंजारा और फुटपाथ दुकानदार ठंड से ठिठुर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या खूबसूरत और क्या बदसूरत, ये ठंड जो है ये किसी को नहीं बख्शती, हर किसी को उसी शिद्दत के साथ लगती है। आप अंदाजा लगाइए कि आप अपने घरों में रजाई तान करके सो रहे हैं, तब भी आप ठंड से ठिठुर रहे हैं। उनकी क्या हालत होती होगी जो खुले आसमान के नीचे बस एक तंबू के सहारे रात गुजारते हैं। गोला में ये तस्वीरें आम हैं। यह बंजारा परिवार जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस ठंड की बर्बरता को झेल रहे हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि अब तक प्रशासन की तरफ से इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, अब तक प्रशासन की तरफ से इन तक कंबल नहीं पहुंचा है। आप सुनिए इनका तर्क। जी कंबल वगैरह मिला है? नहीं मिला। नहीं। सरकार का कोई सुविधा आपको क्या क्या मिला है? कुछ नहीं दिया। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग इधर टाटा तरफ से हैं। अरे भैया कुछ नहीं दे रहा हम लोग को, तो बाल बच्चा। हम लोग का एक ही परिवार है, एक ही परिवार में हम लोग रह रहे हैं। इतने ठंड में कैसा कैसा बुढ़िया है। हल्का फुल्का जो कम्बल है उसी को लेके अपना ठंडा में गुजारा करते हैं। कोई संस्था कम्बल आप लोग को देती है कहीं का? अभी तक तो नहीं दिया है, यदि देगा तो बढ़िया। क्या के नीचे आप लोग रह रहे हैं, क्या ठंड यहाँ नहीं लगती आप लोग? ठंडा तो लग ही करता है, क्या करें, कहाँ जाए, किसको बोले। सरकार का क्या सुविधा आप लोगों के पास में? हालांकि जीप अध्यक्ष कहते हैं कि प्रशासन पंचायतों में तो कम्बल बांट रहा है, पर असहाय और दिव्यांगों के बीच कम्बल नहीं पहुँच रहा है। देखिए यहाँ पर अभी जिला प्रशासन के माध्यम से हम लोग भी खासकर पूरे जिले में जहाँ पर अलाव का व्यवस्था चौक चौराहे में करने के हम लोग जिला प्रशासन से मांग रखे थे
और कहीं कहीं पर चला है, बहुत जगह पर अभी नहीं चल रहा है। और खास करके देखे होंगे, खास करके जैसे अभी यहाँ दिव्यांग जो यहाँ पर चला रहे जिले के बीच में आए हैं, ये लोग को भी आज खास करके यहाँ पर आए तो कमल दिया जा रहा है। लेकिन उससे आदमी को मिलना चाहिए जो असहाय है, दिव्यांग है और जो ज़रूरतमंद है, उससे आदमी तक अभी तक खास करके यहाँ बंट रहा है। लेकिन वीडियो से अभी बात किए तो बोले कि मीटिंग में है, उसके बाद में ये लोग को तो मिलना एकदम सही है कि इसको कमल मिलना चाहिए। क्या हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हमने ये खबर दिखाई है और इस खबर का असर होगा। ये जो लोग जिनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं पड़ती, अब शायद इनके ठंड की ठिठुरन उन पदाधिकारियों तक पहुंचेगी और कंबल की गर्माहट इन्हें नसीब होगी। देखते हैं, हम तो इंतजार ही कर सकते हैं। गोला से न्यूज 11 भारत के लिए प्रिंस वर्मा की रिपोर्ट। सीपीआई 95 साल का हो गया। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें लाल झंडे ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, पार्टी टूटी भी फिर खड़ी भी हुई, लिहाजा इस मौके पर लाल झंडे ने वृहद सीपीआई की मांग की है। एक रिपोर्ट देखिए। 1925 में सीपीआई की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में पार्टी की पहली बैठक में अजय घोष सीपीआई के महासचिव चुने गए थे। तब से लगातार सीपीआई का चुनाव चिन्ह आज तक नहीं बदला है। यह एक ऐसी यात्रा है जिस पर सीपीआई के नेता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सीपीआई 95 साल का हो गया है। इस मौके पर राजधानी रांची के पार्टी ऑफिस में सीपीआई का झंडा फहराया गया। शहीद वेदी पर शहीदों को याद भी किया गया। इस मौके पर लाल किले पर लाल निशान, मांग रहा हिंदुस्तान जैसे नारे भी लगाए गए। इसमें जितनी पार्टियां हैं उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक पार्टी है जिसका नाम नहीं बदला, चुनाव चिन्ह नहीं बदला, नारा नहीं बदला, क्योंकि ये पार्टी अवसरवादी पार्टी नहीं है। इसमें वैचारिक एकता है, मन से सोचता है वही बोलता है, जो बोलता है वही करता है। देश में मजदूर किसान राज की स्थापना करने का अपना संकल्प पर आज भी कायम है। आज स्थापना दिवस के मौके पर सीपीआई के नेताओं का वह दर्द भी झलका जब सीपीआई दो टुकड़ों में विभाजित हो गया था। चीन के साथ भारत की जंग के वक्त 1964 में सीपीआई दो टुकड़ों में बट गया और दूसरी पार्टी सीपीएम की स्थापना हुई। ये एक ऐसा दर्द है जिसकी सीपीआई के नेताओं को हर वक्त टीस रहती है। लिहाजा स्थापना दिवस के मौके पर सीपीआई के नेताओं ने सीपीएम से अपील की है कि वह पुराने घर में वापस लौट आए और लाल झंडे को मजबूती प्रदान करे। जन्म से ही कह रहा हूँ कि सीपीआई बने ही, सीपीआई ही है एक मजदूर और किसान के लिए कुछ भी कर सकता है देश के लिए, बाकी सब तो लुटेरे हैं और मैं इस लूट का पक्षधर नहीं हूँ। मेरे अंदर में मिल जाएगा वो, हमारे आदमी जी को मानेगा। सीपीआई सीपीएम जो है, पहले एक था ना सीपीआई, उसे निकला है वो, फिर घर लौट चले तो कोई दिक्कत नहीं। इस मौके पर झारखंड के तमाम जिलों में भी सीपीआई के जिला सचिव नेताओं ने लाल झंडे की ताकत को और मजबूत करने की कसम खाई। सीपीआई आज 95 साल का हो गया। इस मौके पर तमाम वरीय नेताओं ने एक बार फिर से बृहद सीपीआई की मांग की। उम्मीद की जानी चाहिए कि सीपीआई से टुकड़े होकर अन्य दल के लोग एक बार फिर से सीपीआई में आएंगे और लाल झंडे की ताकत भारत के इस लोकतंत्र में एक बार फिर से दिखाई पड़ेगा। कर्म राजा के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला फिलहाल यहीं तक। नमस्कार।